वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास फोर्थ के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी, ताकि आप उनको आसानी से लिख सको, आपको बार बार लंबी लंबी वीडियोस को डाउनलोड ना करना पड़े। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं, तो तीनों ही प्रश्नों को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप इन्हें एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे, मैं पढ़कर सुना देती हूँ, और अपनी कॉपीज़ में भी आप किस तरह से आसानी से लिख पाओगे। तो वीडियो को पॉज करना और यहाँ से क्वेश्चन और आंसर दोनों ही लिखे हैं उन्हें लिख लेना। तो पहला प्रश्न है, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है, अपने मन से सोच कर लिखो। क्या पूछा गया है कि ख्वाजा सरा के ज़रिए जो 3 सवाल पूछे गए थे और उन 3 सवालों का जो चैप्टर में जवाब दिया गया है, उन जवाबों के अलावा क्या कोई और भी जवाब हो सकता है, आपको अपने मन से सोच कर बताना है। तो आप लिखोगे कि ख्वाजा का पहला सवाल था, संसार का केंद्र कहाँ है। इसका दूसरा जवाब हो सकता है, आप जिस स्थान पर खड़े हैं वही संसार का केंद्र है। उनका दूसरा सवाल था, आकाश में कितने तारे हैं। इसका दूसरा जवाब हो सकता है, आकाश में उतने ही तारे हैं जितने आपके सिर में बाल हैं। उनका तीसरा सवाल था, संसार की आबादी कितनी है। तो इसका दूसरा जवाब हो सकता है, ख्वाजा साहब पहले संसार के सभी लोगों को इकट्ठा करें, फिर हम गिनकर आबादी बता देंगे। तो बच्चों, पहले जो ये सवाल है, इस पहले सवाल का ये यहाँ तक का पहला जवाब है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से अपनी अपनी कॉपीज में लिख देना। आगे है दूसरा प्रश्न, पहले मैंने तीसरा लिख दिया है, ख्वाजा सरा का बस चले तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे, यानी कि आपका बस चले तो आप अपनी कौन कौन सी विश पूरी करना चाहोगे। आप अपनी मर्जी से अपनी कोई भी विश लिख सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा कि मैं सबसे पहले सबको अमीर बनाती ताकि सब लोग हमेशा खुश रह सके। अब बच्चों, सेकंड जो प्रश्न है वो मैंने लास्ट में लिख दिया है गलती से, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते। तो आप लिखोगे कि अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह होती तो बीरबल को हराने के लिए पूछती कि कुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं होती। तो बच्चों, वीडियो को पॉज करके सभी सवालों के जवाब अच्छे से आप लिख लेना। अब देखो बच्चों, अगला प्रश्न है, बस नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ, ख्वाजा सरा का बस यानी कि उनका राज्य चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। बस यानी कि धमकी दी जा रही है कि अब रुक जाओ। अब यहाँ पर बोला है बस का मतलब है कि केवल 2 दिन की बात है, मैं आ जाऊँगी। तो आपने यहाँ पर देखा कि एक बस शब्द को कितने सारे अर्थों में इस्तेमाल किया गया है। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको चल, चल चल, चला, चले, चलना, चलती और चलो पर वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहला वाक्य बनेगा चल पर, तो आप लिखना कि रोहन मेरे साथ चल। दूसरा वाक्य चल चल, तो आज तो मैं चल चल कर थक गई। अगला है चला, अरे वह तो चला। आगे है चलें, अच्छा हम साथ चलें। अगला है चलना, पहाड़ी पर चलना कठिन है। अगला है चलती, तो वे गाड़ी धीमी चलती है। अगला है चलो, तो मेरे साथ चलो। तो सभी बच्चे वीडियो पॉज करके इस आंसर को लिख लेना। आगे है बड़े कहानी, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। बीरबल ने क्या कहा होगा, कहानी को आगे बढ़ाओ। तो बच्चों, मैंने कहानी को आगे बढ़ा कर लिखा है। समझ में आया कि अकबर ने बीरबल से क्या पूछा होगा कि ये बताओ कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है। तो बीरबल ने क्या जवाब दिया होगा, तो आप लिखोगे कि बीरबल ने कहा होगा कि बादशाह जापाना,
आपकी गोद में ये जो छोटा बच्चा इस वक्त बैठा हुआ है वही दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली है। बादशाह ने कहा, वे कैसे? तो बीरबल ने बताया कि ये छोटा बच्चा आपकी गोद में हर तरह से अपनी मनमानी कर रहा है, किंतु आप इसे बस प्यार ही कर रहे हैं, ना कि सजा दे रहे हैं, इसलिए यही सबसे अधिक शक्तिशाली है। समझ में आया कि वो जो बच्चा था बादशाह अकबर पर भी अपनी मनमानी चला रहा था और बादशाह अकबर नाराज़ भी नहीं हो रहे थे। तो बीरबल ने क्या बताया कि यही बच्चा जो आपकी गोद में बैठा है वही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। आगे है बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं। तो पहला प्रश्न है कि तुम भी बीरबल का एक किस्सा ढूंढो और उसे लिखो। तो यहाँ पर देखो प्रश्न लिखा है और इसका उत्तर मैंने लिख लिया है। यहाँ पर एक बीरबल की होशियारी का किस्सा है जिसका नाम है बीरबल की खिचड़ी। तो आप इसे कैसे लिखोगे, पढ़कर सुनाती हूँ। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में ऐलान करवाया कि जो व्यक्ति ठंड का सामना कर सकता है वैसे मेरे सामने आए, क्योंकि उन दिनों बादशाह को ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत थी जो कड़ाके की ठंड में भी महल की रक्षा कर सके। क्या ऐलान करवाया बादशाह अकबर ने कि जो व्यक्ति ठंड का सामना कर सकता है पूरी तरह से वो मेरे सामने आ जाए, क्योंकि उन दिनों बादशाह अकबर महल की रक्षा के लिए ऐसे व्यक्तियों को चुन रहे थे। फिर अगले दिन बादशाह ने ये भी ऐलान किया कि जो व्यक्ति पूरी रात ठंड में एक पैर से नदी में सुबह तक खड़ा हो पाया उसे ही महल का दरबान बनाया जाएगा। अगले दिन बहुत से लोग आए, सभी असफल हुए सिवाय एक आदमी के। समझ में आया, सभी असफल हो गए सिवाय एक आदमी के। उसने पूरी रात ठंडे पानी में परीक्षा को पूरा करके दिखाया था। फिर एक मंत्री ने उसकी परीक्षा ली और पूछा कि तुम पूरी रात कैसे टिके रहे इतनी ठंड में। तो उस व्यक्ति ने बताया कि मुझे एक मील दूर एक दिया जलता हुआ दिखाई दे रहा था, मैं उसकी तपिश को ध्यान में रखकर टिका रहा। अब इतना सुनते ही मंत्री ने उस व्यक्ति को परीक्षा से रद्द कर दिया, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद बात थी, क्योंकि एक मील की दूरी से दिए से किसी को गर्माई थोड़ी मिल सकती है। तो उसको रद्द करके वापस लौटा दिया। वे व्यक्ति बड़ा उदास हुआ और सारा माजरा बीरबल को बताया। बीरबल ने उससे घर जाने को कहा और दिलासा दिया कि नियुक्ति तुम्हारी ही होगी। बादशाह अकबर ने दरबार लगाया तो वहाँ बीरबल हाजिर नहीं थे। बीरबल को बुलाने सिपाही को भेजा गया तो बीरबल ने जवाब में कहलवाया कि मैं खिचड़ी बनाकर आऊँगा। यहाँ पर मैं में दो मात्राएं लगाना। ऐसे ही बीरबल 3 दिन तक दरबार में नहीं गया। अंत में बादशाह खुद देखने गए कि बीरबल की खिचड़ी अभी तक क्यों नहीं बनी। जब बादशाह बीरबल के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा बीरबल सच में खिचड़ी ही बना रहा था, मगर जो खिचड़ी की पतीली थी वो एक डंडे की सहायता से बहुत ऊपर लटकी हुई थी और उसे पकाने के लिए नीचे एक दिया जल रहा था। बादशाह ये सब देखकर बहुत हैरान हुए और बीरबल से पूछा, ये क्या माजरा है? एक दिए के सहारे उतनी दूर तक आग की तपिश नहीं पहुँचेगी और ना ही तुम्हारी खिचड़ी बनेगी। तब बीरबल ने बादशाह का ध्यान उस व्यक्ति की ओर दिलाते हुए कहा था कि बादशाह, एक दिए के सहारे उस व्यक्ति को भी गर्माई नहीं पहुंची थी, किंतु आपके मंत्री ने उसे रद्द कर दिया। अब बादशाह सब समझ गए बीरबल की खिचड़ी बनाने की वजह, कि बीरबल का इस खिचड़ी को बनाने का क्या मकसद है। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा कि हम सब समझ गए हैं, उस व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाएगा, यानी कि उस व्यक्ति को ही महल का दरबान बनाया जाएगा, क्योंकि उसने अपनी परीक्षा को अच्छे तरीके से पूरा किया था, क्योंकि दिया तो एक मील की दूरी पर जल रहा था और एक मील की दूरी से तो बिल्कुल भी गर्माहट नहीं पहुँच सकती है। अब बच्चों अगला सवाल है, बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं, उनके नाम पता करो।
यानी कि क्या पूछा गया है कि बीरबल की तरह और भी बुद्धिमान बहुत सारे मशहूर मशहूर लोग हैं और उनके किस्से भी मशहूर हैं, तो उनके नाम पता करके आपको लिखने हैं। जैसे कि बच्चों मैंने लिखा तेनालीराम, मुल्ला नसरुद्दीन और अवंती, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। आगे है अगला सवाल है कि नीचे लिखे हुए जो आपको शब्द दिख रहे हैं, इन शब्दों की जगह और कोई दूसरा शब्द कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि बुद्धिमान की जगह चतुर भी लिखा जा सकता है, मूर्ख की जगह बेवकूफ़ लिखा जा सकता है, अभिमान की जगह घमंड लिखा जा सकता है, विश्वास की जगह यकीन लिखा जा सकता है, संसार की जगह दुनिया लिखा जा सकता है और कोशिश की जगह प्रयत्न लिखा जा सकता है। अब बच्चों लास्ट में तो मुहावरे हैं जिनके आपको वाक्य बनाने हैं। पहला है नाग भो सुकुड़ना, इसका मतलब क्या होता है? काम से दिल चुराना। तो वाक्य होगा वह हर काम करते समय नाग भो सिकुड़ता है। अगला है कलई खुलना, यानी कि रास खुलना या फिर पोल खुल जाना। तो वाक्य होगा कि चोर की कलई खुलते ही वे भाग गया। तो बच्चों चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको अच्छे से लिखने समझा दिए हैं। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।